हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएल लाइफ। मैं नीतीश। मैं ममता। तो आज हम लोग आपको एक जयपुर का एक शॉर्ट टूर करवाने वाले हैं। तो चलिए जयपुर घूमते हैं और एंजॉय करते हैं कि जयपुर में क्या क्या चीजें हैं इंटरेस्टिंग। तो चलते हैं जयपुर घूमने, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो जयपुर घूमने के लिए हमने कैब बुक किया है और ये कैब 5 घंटे में 1000 रुपये का हमें मिला है और ओला से एक्चुअली बुक किया हमने और ये हमें 5 घंटे तक घुमाएगा। लेकिन अगर जयपुर का आपको ठीक से घूमना है तो 3-4 दिन का कम से कम समय लेके आइए, क्योंकि एक किले में आपको 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, तो समय बहुत लगने वाला है। और बिल्कुल बॉडी को फ्री करके आइएगा, क्योंकि किला घूमने में आपको मशक्कत ही बहुत करनी पड़ेगी। तो हम लोग आपको ओवरव्यू दे देते हैं एक जयपुर का, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी पिंक सिटी में एंटर कर गए और ये आपको सारी बिल्डिंग है पिंक कलर की, पिंक कलर ही है रेड। अब तो उस जमाने में, राजा महाराजा के जमाने में पिंक दिखता होगा, अब तो सब हाईटेक चीज़ हो गया, लेकिन फिर भी सारी बिल्डिंगें सेम कलर की है। अब ये पेज पिंक हो जाएंगे सब। हाँ, पिंक कलर करवाएंगे सब पिंक करवाएंगे। और ये है सिटी पैलेस जयपुर का महल, राजा सवाई मानसिंह द्वितीय का ये महल है, सवाई मानसिंह द्वितीय। तो इसी महल में रहा करते थे महाराज। इसकी एंट्री का 200 रुपये का टिकट है एडल्ट का, और चाइल्ड का 100 रुपये का टिकट है इसके अंदर जाने का। और हम लोग अभी जयपुर के जंतर मंतर में आए हैं और ये उस समय राजा मानसिंह जी समय देखने के लिए, नक्षत्र वगैरह देखने के लिए यूज़ किया करते थे। तो इसका जो एंट्री टिकट है 50 रुपये का है और बच्चों का 7 साल से कम का फ्री है। तो मैं एक व्यू दिखा देता हूँ आपको जंतर मंतर का। अभी मैं हवा महल के ठीक सामने खड़ा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है जयपुर का जल महल झील के बीचों बीच। और यहाँ पे सभी कबूतरों को दाना खिलाने में लगे हुए हैं। वेदिका को भी बहुत मजा आ रहा है कबूतर को दाना खिलाने में। देखिए वेदिका कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया। चलो खाने जाते हैं। आओ आओ आओ, ले ले ले।
और अभी हम लोग आमेर महल पे आ गए हैं, जो बिल्कुल पहाड़ों की ऊंचाइयों पे देखिए किला है, और ये देखिए आमेर महल। अब इस किले के ऊपर जाने के लिए हमें चढ़ाई करना पड़ेगा, आधे घंटे लगेंगे, और चढ़ाई करने में आधा घंटा। आप सोच के देखो उस जमाने में सब कैसे जाते होंगे, देखिए कबूतर ढेर सारे। गाइड से रहेगा तो गाड़ी से लेके जाएगा, गाड़ी से लेके आएगा। 200 रुपये गाड़ी का है, 200 गाइड का है, 400 रुपये। इतना भव्य दिख रहा है ये, मतलब ये पहाड़ों पे बना हुआ, आप लोग देख पा रहे हो कैमरे में कितना समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, बट बहुत सुंदर, पूरा ऐसे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसमें मगरमच्छ होता होंगे, कुछ होता होगा, ये झील होगा इधर। ये देखिए ऊपर किला, इतनी ऊंची चढ़ाई करने के बाद पहुंचेगा भाई, राजा महाराजा तो चढ़ लेते थे, मैं तो नहीं चढ़ने वाला। तो हम लोग अब आमेर किले से बाहर आ गए, फोटो वोटो खिंचवा लिया हमने, और ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब चढ़ाई करना हमारे बस की बात नहीं, बच्चे भी साथ में हैं तो चढ़ना। वैसे जीप से आप जा सकते हैं ऊपर तक, जीप वाले 400-450 रुपये चार्ज करते हैं, और तो अंदर गाइड ने कहा तो गाइड वाइड भी मिलते हैं, तो आप आइए तो पूरा इंजॉय कीजिएगा। तो अभी हम लोग नारगढ़ के किले जा रहे हैं और पहाड़ पे कंटिन्यू चढ़ाई हो रही है हमारी, और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ का जब हम लोग जा रहे हैं। ऊपर नीचे शहर भी दिख रहा है और ऊपर किला दिख रहा है, बहुत मतलब ये सोच के भी मज़ा आ रहा है कि उस टाइम में राजा लोग रहते होंगे, उस टाइम में कैसी फीलिंग आती होगी, कैसे वो लोग रहते होंगे, कैसे ऊपर जाते होंगे, हाथियों पर वैसे जाते होंगे, बल्कि सेना उना को बहुत परेशानी होती होगी। तो 5-6 किलोमीटर हाँ, तो अभी हम लोग सीधा ऊपर चले जा रहे हैं। और अभी हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट पे हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया बना हुआ। अब ये देखिए ये देखिए किले की दीवार, और यहाँ पे गन लगा करके खड़े रहते होंगे सैनिक, और यहाँ से दिखता है पूरा शहर। देखिए पहाड़ों पर से मैं जल महल का व्यू दिखाता हूँ, इतना खूबसूरत, देख करके दिल खुश हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। अभी मैं आपको जयपुर का सबसे फेमस सिनेमा हॉल राज मंदिर दिखाता हूँ। जयपुर में लस्सी का जायका लेते हैं हम लोग लस्सी वाला में। और हम लोग आ गए अभी अल्बर्ट हॉल पे, जो आज जयपुर का म्यूजियम बना हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना बेहतरीन बिल्डिंग है ये, पूरे बिल्डिंग पे कबूतर भरे पड़े हैं। तो हम लोगों ने अब बहुत कुछ घूम लिया और दिन भर घूम कर थक चुके हैं, और अंदर कहीं कैमरा भी अलाउ नहीं करते हैं, तो
बहुत जल्दी में आपको हमने जयपुर घुमा दिया और हमने भी घूम लिया। तो बहुत ही ब्रीफ में हमने आपको सबका ओवरव्यू दे दिया जयपुर का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय।